हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बेसिकली वो एक फ़िश है, पैरट फिश उसका नाम है, जो कि अंडेमान में, हम स्पेशली अभी बात कर रहे हैं, कोरल रीफ्स जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे पाई जाती है। और कोरल रीफ का जो ये इकोसिस्टम है उसके लिए ये फ़िश बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज हम इसकी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, या डिटेल में इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एंडेंजर्ड हो चुकी है। एक नई जो स्टडी है उसने ये रिवील किया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफिक में, ये कोरल रीफ्स हैं। अब ये कोरल्स क्या होते हैं, ये सब के बारे में और इस फिश के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। और ये जो बम्प हेड पैरट फिश की मैंने बात की है, ये पिक्चर में आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा चैनल स्टडी आई क्यू। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। जो PDF है वो आपको हमारी साइट पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिल जाएगा। अब देखिए, एग्ज़ाम के लिए क्या रेलेवेंस है इसका, UPSC पर्सपेक्टिव से बात करें तो इन्वायरमेंट का जो आपका पेपर है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिलिम्स के हिसाब से बहुत बार क्वेश्चंस इस तरह के एंडेंजर्ड स्पीशीज पे आ जाता है, देन हम सडनली सोचने लग जाते हैं ये एनिमल का नाम कहाँ से आ गया, ये फिश का नाम कहाँ से आ गया, बट वो न्यूज़ में रहा होता है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली पैरट फिश की बात हो रही है, इसका नाम देखिए बम्प हेड पैरट फिश है। अगर कोई सवाल आ जाता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और सब्जेक्टिव लेवल पे अब जो भी अटैच स्टोरी हम पढ़ेंगे, पूरा कंजर्वेशन का यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सब्जेक्टिव लेवल। अब देखिए, न्यूज़ में क्यों है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोरल कवर प्रोटेक्शन जो है पूरी दुनिया का, ग्लोबली कोरल्स जहाँ जहाँ पे भी, कोरल रीफ जहाँ जहाँ पे भी फैले हुए, वहाँ पे उनके कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा बात चल रही है। बिकॉज बहुत सारे रीजन से कोरल रीफ का जो इकोसिस्टम है वो ख़राब हो रहा है। 10% ऑलरेडी एक्सटेंक्ट हो चुके हैं कोरल्स, 60% जो हैं वो स्ट्रेस में हैं बहुत ज़्यादा, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, एक्सट्रीम फिशिंग की वजह से, राइट। और इंडिया में अंडमान निकोबार में भी बहुत सारे जो ये कोरल्स हैं वो पाए जाते हैं, और जहाँ पे कोरल पाए जाते हैं वहाँ पे ये फिश भी पाई जाती है, जिसका नाम है बम्प हेड पैरट फिश। और अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, वहाँ पे इसको कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये एंडेंजर हो चुकी है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में ये फ़िश जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अब देखो, हम बहुत सारे एनिमल्स, फिशेज, इस तरह की स्पीशीज़ की बात करते रहते हैं कि हमें उनको कंजर्व करना है। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे, यार छोटी मोटी स्पीशीज़ ही तो हैं, हमको क्यों कंजर्व करना, अगर एक दो गायब भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ऐसा नहीं होता। देखिए, एक इकोसिस्टम जो होता है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। अगर ये फिश कोरल रीफ पर डिपेंडेंट है तो कोरल रीफ का जो पॉपुलेशन है वो भी इस फिश पर डिपेंडेंट होगा। यानी कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल बैलेंस बनाने के लिए हर ऑर्गेनिज्म का इम्पॉर्टेंस होता है। और अगर वो इम्पॉर्टेंस, अगर वो एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाए तो ऑब्वियसली एक जो स्ट्रेस होता है वो इन्वायरमेंट में बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे देखने को मिलता है। इसलिए कंजर्वेशन जो है हर स्पीशीज़ की वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आजकल क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमको बहुत ज़्यादा लॉस जो है स्पीशीज़ का वो देखने को मिल रहा है। अभी जो मैंने इससे पहले लेक्चर बनाया था, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2019 का जो आया, वहाँ पे भी उन्होंने बार बार यही बात करी है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो एंडेंजर हुए जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होने की नौबत जो आ गई है उनकी, राइट। अब देखिए, हम कोरल रीफ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कोरल रीफ्स क्या होते हैं। इस फिश पे आने से पहले हम कोरल्स की बात करेंगे। देखिए, कोरल्स क्या हैं, बेसिकली मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं। बहुत ज़्यादा जूलॉजी में नहीं जाएंगे, बट जितना आपको मालूम होना चाहिए UPSC एग्ज़ाम के या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, उतना हम डिस्कस करेंगे। कोरल क्या हैं, मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं। अब देखिए, कोरल रीफ आप पूरा वर्ड सुनते होंगे, ये यानी एक पहाड़ है जहाँ पे बहुत सारे कोरल्स इकट्ठे होके, ग्रुप ऑफ कोरल्स जो हैं वो पूरा पहाड़ बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से ये जुड़े रहते हैं। अब कोरल्स की अगर बात करें तो ये एक कॉलोनी है एक एनिमल की, वहाँ पे पॉलिप्स होते हैं,
ओके पॉलिप्स होते हैं, जैसे अब जो लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं वो फाइलम वर्ड का मतलब समझते होंगे कि डिफरेंट फाइलम्स होते हैं, राइट. इसी तरीके से जो पॉलिप्स हैं ये नाइडेरिया के अंदर आते हैं. अब देखिए इसको आप याद रखें या ना रखें, बट साइंस स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो जाएगा कि उनको ये याद रहेगा, लेकिन बाकी लोग ये याद रख सकते हैं कि जो ये कोरल्स हैं ये किसकी कॉलोनी है, पॉलिप्स की. ठीक है, ये आप ये वर्ड याद रखिए कि पॉलिप्स की. नाइडेरिया में जैसे दो फॉर्म्स अगर आती हैं, मेड्यूसा एंड पॉलिप्स, तो पॉलिप्स नाइडेरिया की एक फॉर्म है. बट हाँ, बाकी ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए ये याद रखना ज़रूरी है, कोरल रीफ हैं जो कोरल्स के बने हुए हैं. जो कोरल्स हैं वो इन टर्न किससे बने हैं, किस एनिमल से बने हैं, पॉलिप्स से, राइट. पॉलिप्स आपको वर्ड याद रखना है. एक पॉलिप्स अपनी कॉलोनी बनाते हैं और वो कोरल्स बनते हैं, और फिर बहुत सारे कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़ते जाते हैं, वैसे पहाड़ बनाते हैं, उसको हम कोरल रीफ बोलते हैं. अब पॉलिप की बात करते हैं. पॉलिप वर्ड बोला, पॉलिप जो है एक सैक लाइक एनिमल है. एक एनिमल आप समझ लीजिए, टिपिकली फ्यू एमएम का ये होगा, और इसके टेंटैकल्स भी होते हैं, राइट. बिकॉज ये एनिमल, आपने इसको प्लांट्स नहीं समझना है, कोरल को एनिमल है, राइट. अब आपने ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है. और ये जो पूरा आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि ये कोरल्स पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, राइट. इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए कहाँ कहाँ पे हैं, राइट. और उसके बाद हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ का सवाल मैंने आपसे पूछा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज ये ज्योग्राफी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये ग्रेट बैरियर रीफ है, बहुत बड़ा पहाड़ समझ लीजिए पूरे कोरल्स का, सबसे बड़ा दुनिया में, लार्जेस्ट. 2 मिलियन ईयर्स पहले ये बना होगा. अब कोरल्स का इंपॉर्टेंस देखिए क्या है. कोरल्स को ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं. रेड कोरल जो है उसको लोग बहुत लाइक करते हैं. कोरल का जो स्केल्टन है उसको जो ह्यूमन में बोन ग्राफ्टिंग करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं. कोरल का जो मटेरियल है इसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में. और उसके बाद जो ये कोरल्स हैं ये शोर को प्रोटेक्शन भी देते हैं कि अगर कोई सुनामी आ रही है, कोई स्टॉर्म आ रहा है, कोई भी जैसे हार्श वेव्स आ रही हैं, तो ये बफर का काम करते हैं, शोर लाइन प्रोटेक्शन भी देते हैं. अब ग्रेट बैरियर रीफ की मैंने बात की, ये तो आप बताएंगे कहाँ है, ये बता देती हूँ. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है यहाँ पे, और 2900 इंडिविजुअल कोरल्स इसको मिलके, जो इंडिविजुअल कोरल्स नहीं, इंडिविजुअल रीफ इसको मिलके बनाते हैं. और उसके बाद 1981 में ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोला गया था. अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये आता है. आई होप ये क्लियर है आपको. और हाँ, ये इंडिया का मैप है कि इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. और यहाँ पे फिलहाल इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं कौन से कोरल सिस्टम की, जो कि अंडमान निकोबार में, और वहाँ पे जो फिश है जो इसके इकोसिस्टम के साथ कनेक्टेड है उसकी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है बम्प हेड पैरट फिश. तो चलिए अब हम बम्प हेड पैरट फिश पे आते हैं. इससे पहले इसका फ़ोटो मैं आपको दिखा देती हूँ. देखिए इस तरीके से ये फ़िश दिखती है. पैरट फिश बहुत अलग अलग स्पीशीज़ भी हैं इसकी. यहाँ पे हम ग्रीन पैरट फिश, बम्प हेड पैरट फिश की बात कर रहे हैं. इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, बोल्बो मेट्रोपॉन म्यूरिकैप्टन. ये आप याद रख सकते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है. और ये जो फ़िश है, अब इसके बारे में बात करते हैं, ये कोरल रीफ जो इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब ये हाईली एंडेंजर्ड है ग्लोबली. अब जो IUCN है आपका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसने इसको कैटेगराइज़ किया है वल्नरेबल की कैटेगरी में, ओके. और ये जो फ़िश है ये बहुत ही हाईली प्राइज्ड रिसोर्स है, लेकिन अब हमको बहुत लिमिटेड, बिकॉज जो फ़िशिंग करते हैं, ओवर फिशिंग करते हैं, ओवर हार्वेस्टिंग करते हैं कोरल सिस्टम की, उनको बहुत लिमिटेड नॉलेज होती है, उनको इकोसिस्टम क्या है, स्पीशीज़ को कंजर्व करना है, ये सब समझ नहीं आता. और उसकी वजह से अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अंडमान एंड निकोबार के आसपास वो बहुत कम होता जा रहा है. और जो ये रिसेंट रिसर्च हुई है उसने भी यही बताया कि बहुत ज़्यादा डेंजर है इस स्पीशीज़ को कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में. और देखिए ये जो ग्रीन, ये जो बम्प हेड पैरट फिश है ये लार्जेस्ट स्पीशीज़ है. पैरट फिश में और भी बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं, ये उसकी लार्जेस्ट स्पीशीज़ है. इसका देखिए कितना लेंथ रहता है, 1.3 मीटर तक ये ग्रो करती है, या फिर आप इसको 4.3 फीट बोल लीजिए. उसके बाद इसका वेट होता है अप टू 46 kg,
राइट और ये रीफ्स में पाई जाती है, आपके इंडियन पैसिफिक ओशंस में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ पे भी ये पाई जाती है, और इसके बहुत सारे और नाम भी हैं, बम्प हेड पैरट फिश आपको पता हो गया, इसके बाद इसको हम्प हेड पैरट फिश भी बोलते हैं, डबल हेडेड पैरट फिश बोलते हैं, बॉफलो पैरट फिश बोलते हैं, जॉइंट पैरट फिश बोलते हैं, अगर इनमें से कोई भी नाम आए तो आप समझ लीजिए वो कौन सा है, बम्प हेड पैरट फिश। अब देखिए इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरल्स के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि कोरल रीफ आपस में कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जुड़े रहते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है रीफ के लिए, उसके बायो इरोजन के लिए। बायो इरोजन क्या है, नेचुरल सिस्टम है बायो डिग्रेडेशन का, अगर कोई लिविंग सिस्टम है जब वो डिग्रेड होगा उसको माइक्रोब्स फंगस एल्गी ये सब डिकम्पोज करेंगे, अब जो कोरल्स हैं उनको फंगस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डिकम्पोज करते हैं, लेकिन उसमें इस फिश का बहुत ज़्यादा रोल रहता है बायो इरोजन ऑफ कोरल्स में, राइट इसलिए ये उनके इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कोरल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उन पे फीड करती है, वहाँ पे जो आगे पीछे सीवीड्स लगते हैं उन पे फीड करती है, कोरल्स पे फीड करती है, तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल इनका डिपेंडेंस है एक दूसरे पे, अगर एक का भी अगर कोरल रीफ्स में प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियसली स्ट्रेस फिश पे देखा जाएगा, और फिश का पॉपुलेशन ख़त्म होगा तो उसका स्ट्रेस कोरल रीफ जो इकोसिस्टम है उस पे देखा जाएगा, इसलिए हम इसकी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या क्या थ्रेट्स हैं इस फिश को, सबसे पहले देखिए इसका लार्ज बॉडी साइज़ है, और फिर ये ग्रुप में चलती है, यानी बहुत सारी फिशेज एक जगह पे होंगी, इनका एग्रीगेटिंग बिहेवियर है, और साथ में इसका जो एक्टिविटी है ये रात को ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो स्पीयर फिशर्स होते हैं जो फिशिंग के लिए आते हैं उनका ये टारगेट ईजिली बन जाता है, क्योंकि ये ग्रुप में है बहुत ज़्यादा दिख जाती हैं तो वो उनको फिशिंग करते हैं, इस वजह से ईजिली पकड़ी जाती है, और साथ में इसका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो भी बहुत स्लो है, जितने तेज़ी से इसका शिकार हो रहा है उतना ज़्यादा इनका रिप्रोडक्टिव रेट नहीं है, उस वजह से भी जो इनकी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है अक्रॉस द इंडो पैसिफिक एंड रेड सी रीजन। देखिए स्टडी में ये भी बताया है कि जो प्रेजेंस है प्रोटेक्टेड एरिया का जहाँ पे कोरल्स एल्गल कवर ये सब पाया जाता है, उस वजह से इसकी पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वहाँ पे ये एबंडेंस में पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरल कवर होगा या बहुत ज़्यादा एल्गल कवर होगा। अब देखिए और ये किसका शिकार बनती है, इंसिडेंटल कैच। इंसिडेंटल कैच का क्या मतलब है कि जो फिशिंग के लिए आए हैं लोग, ठीक है, या मछुआरे हैं, उनको शायद इस फिश में इतना इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन ये रात को जैसे मैंने बताया इसका एक्टिविटी रहता है तो वो जब रात को फिशिंग करेंगे तो ये बेवजह ही बेचारी पकड़ी जाती है, और उस वजह से भी इसकी पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है ये फाइंडिंग्स कि इसको नाइट फिशिंग को बैन करने की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि इसकी पॉपुलेशन पे फ़र्क ना पड़े, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की स्टेट्स की जहाँ पे कोरल रीफ पाए जाते हैं उनको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इसकी स्पीशीज़ को हम कंजर्व कर पाएँ। अब देखिए हम बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के डिस्कस करते रहते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, अब आपको थोड़ा ना स्मार्ट स्टडी करनी है, अगर एग्ज़ाम में मेंस में सपोज कोई आ गया तो वे फॉरवर्ड सबके लिए सेम है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलके काम करें, सारी गवर्नमेंट्स मिलके काम करें, गवर्नमेंट एजेंसीज एनवायरनमेंट को सीरियसली लें और मिलके काम करें, ये दो तीन पॉइंट्स आप ले लेंगे जहाँ पे आप गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंटल वर्ड यूज़ करेंगे, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज वर्ड यूज़ करेंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करेंगे, सच हैवी वर्ड्स राइट, उनको कि उनको मिलके काम करना चाहिए, फिर गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए, कंजर्वेशन का आप इंपॉर्टेंस बता देंगे राइट, तो आपका वे फॉरवर्ड अपने आप ऑलमोस्ट हर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की जहां पे हम बात करते हैं स्पीशीज की कंजर्वेशन की या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, तो वे फॉरवर्ड सबका सेम है, आपने मेरे लेक्चर्स का डिजाइन देखा होगा कि हम लास्ट में वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, यहां पे मैं वे फॉरवर्ड नहीं बता रही हूं क्योंकि हर बार वो ऑलमोस्ट हर एनवायरनमेंट के लिए सेम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, हम इस फिश को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बताया, और मैंने आपसे सवाल पूछा था ग्रेट बैरियर रीफ कहां पे है, तो चलो उसका आंसर बता देती हूं, कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के लिए मैप पे इसको आप नोट कीजिए कि मैप पे ये आपको कहां दिख रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। यही था हमारा आज का लेक्चर, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, थैंक यू।